शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 12, ये आपकी क्लास 8 की मैथ्स की है। इससे पहले आप लोग अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, टीचर का नाम, अपना नाम, ये सब चीज़ें आप लोग लिख लेंगे। और आज मैं आपको बता दूं कि लेट हो गई क्योंकि मेरे पेपर चल रहे थे। अब मैं फ्री हूँ बिल्कुल। अब आपके सारी वर्कशीट्स टाइम टू टाइम आएंगी नेक्स्ट वीक से, आपको कोई भी तरह की प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। चलिए फिलहाल इस वर्कशीट को पढ़ लेते हैं। और जो आपकी कल की साइंस की वर्कशीट मैंने आपको सिर्फ आंसर्स दिखा दिए थे, वो वर्कशीट भी मैं आपकी पूरी कर दूंगी। अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो उसको भी पढ़ सकते हैं, उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी आप लोगों के लिए। चलिए तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे और ये लिख लेंगे कि आज हम लोगों को क्या पढ़ना है। इक्वेशन रिड्यूसेबल टू द लीनियर फॉर्म्स, ठीक है, तो ये आज हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ लिखा डियर स्टूडेंट्स, यानी हेलो प्यारो बच्चों, वी हैव लर्न अबाउट सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन इन द प्रीवियस वर्कशीट, यानी हमने पिछली वर्कशीट में लीनियर इक्वेशन को पढ़ा। बट देयर आर इक्वेशन विच आर नॉट इन लीनियर फॉर्म, यानी कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं जो लीनियर फॉर्म में नहीं होती है। सो इन दिस वर्कशीट, यानी तो इस वर्कशीट में हम वी विल अंडरस्टैंड, हम जानेंगे हाउ टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू लीनियर फॉर्म, यानी वो इक्वेशन को हम कैसे लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स अस ऑब्जर्व इक्वेशन इन द गिवन टेबल। अब आप यहाँ पे देखिए, ये आपको जो टेबल दी गई है, ये देखिए, ये लीनियर इक्वेशन की टेबल है, इक्वेशन विच आर लीनियर फॉर्म है ना ये, और इक्वेशन विच आर नॉट लीनियर फॉर्म। देखिए पता है लीनियर फॉर्म का मतलब क्या होता है, एक रेखा में, एक सीधी लाइन में। और यहाँ देखिए ये आपके सीधी लाइन में नहीं है, ये आपके फ्रैक्शंस में है ना। तो अब कह रहे ये तो सॉल्व करना हमने पिछले उसमें सीख लिया, अब इनको हम कैसे सॉल्व करें और किस तरह से इनको हम लोग लीनियर फॉर्म में ला सकते हैं उसको आज हम लोग जानेंगे। डू यू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन इन लीनियर फॉर्म, लीनियर फॉर्म में के बीच में आपको यहाँ पे आप डिफरेंस अलग कर पा रहे हैं क्या इन दोनों में? तो बिल्कुल कर पा रहे हैं, ये आपके फ्रैक्शंस में है, ये आपके बिल्कुल सीधे सिंपल से है ना। तो चलिए पहला इक्वेशन यहाँ दिया गया, सॉल्व द इक्वेशन x प्लस 7 अपॉन में x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन में 4, ये आपकी इक्वेशन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि x प्लस 7 अपॉन में x प्लस 2 जो है, इधर लिखा है 3 अपॉन में 4, ये जो 4 है ये एज इट इज उठ के इधर आएगा तो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और ये पूरा सेट उठ के इधर जाएगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो अब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4x प्लस 7 और इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 2, है आसान। ये 3 इधर ही रहा, ये x प्लस 2 इधर आ गया और ये 4 इधर आ गया और ये 7 इधर का इधर ही रहा। तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको इससे, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 7 चौक 28। इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x और 3 दुनी 6, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया आपका 4 प्लस 4x 28, ये देखिए 4x 28 यहाँ दिख रहा और ये देखिए 3x प्लस 6 ये रहा, यानी ये लकीर। ये सारी चीज़ें वही चीज़ आपको सॉल्व करके दिखाई गई है, जो मतलब मोटे मोटे तौर पे मैंने आपको आसानी से तर्क करके दिखा दिया, आप इसी तरह से करेंगे। इसके बाद देखिए ये 4, अब क्या हो जाता है, ये आपके आ गए 4x प्लस 28 इज इक्वल टू 3x प्लस 6, यही है। अब क्या होता है, जो x वाले होते हैं ना आपके, ये एक तरफ करने, तो देखिए ये 4x माइनस 3x, क्योंकि जब ये इधर प्लस में था इस तरफ आएगा इज इक्वल टू के तो माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 6 है, ये एज इट इज रहेगा, ये इधर जाएगा तो ये माइनस 28 हो जाएगा, ठीक। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, यहाँ 1x बचेगा, 1 हम लिखते नहीं है x के साथ तो डायरेक्ट हम x लिख देंगे, ये बराबर का निशान लगाएंगे, ये 28 इसमें से जाएगा तो यहाँ बचेगा माइनस का 22, तो x की वैल्यू क्या निकली, माइनस का 22, तो ये देखिए आपका दिख गया आपको x की वैल्यू माइनस 22। अब इसको हम लोग को क्या करना होता है, हमें इसे वेरिफिकेशन करना होता है, यानी वेरीफाई करना होता है कि जो हमने सही किया है, जो हमने आंसर ऊपर किया है वो सही है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले आपको x की वैल्यू को पुट करना है, x की वैल्यू आपकी क्या निकली है, 22 निकली है, तो लिखा टेक द राइट हैंड, ओ लेफ्ट हैंड साइड, आपको लेफ्ट हैंड साइड यानी इज इक्वल टू के इधर वाली डिजिट्स को पूरा उतार लेना है, जैसा कि इन्होंने ये उतार लिया। क्या था आपका x प्लस 7 और x प्लस 2, यही थी, ठीक। अब आपको क्या करना है, x की जगह पे माइनस 22 माइनस 22 रखना है और जो वैल्यू बाकी की थी वो आपको एज इट इज रख देनी है। अब ये माइनस 22 में से 7 गए तो कितना बचा, 15 बचा माइनस का, और ये 22 में से 2 गए तो कितना बचा, 20 बचा। अब जब आप इसको 15 और 20 को डिवाइड करेंगे तो देखिए माइनस 15 और ये माइनस 20, यही है। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और ये देखिए 3 5 जा कितना होता है, ये आप 5 डायरेक्ट 5 से करिए, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो देखिए 3 अपॉन में 4, आपकी इक्वेशन 3 अपॉन में 4 आ गया आंसर। तो इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। अब अगला आपको क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे देखिए कि अ नंबर हुज 7th पार्ट एक्सीड्स हिज 8th पार्ट बाय 1, ठीक है।
फाइंड द नंबर. अब आपको नंबर बताना है कि एक नंबर है जिसका सातवां पार्ट जो है वो आठवें पार्ट से बड़ा है, तो आपको बताना है कि वो असलियत में नंबर क्या होगा. तो आपने सातवां पार्ट तो एक्स अपॉन में सेवन कर दिया, आठवां पार्ट तो एक्स अपॉन में एट कर दिया, बीच में लगा दिया माइनस इज इक्वल में कर दिया वन. अब इसका आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में क्या हो जाएगा, एट को सेवन से मल्टीप्लाई कर देंगे, एट एट सेवन से 56. ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया यहाँ पे 56. और ये क्योंकि देखिए अब आप क्या देखेंगे, सेवन के टेबल में 56 कितनी बार में आएगा, एट बार में. तो आपने एट लिख दिया, अब आप देखेंगे एट के टेबल में 56 कितनी बार में आएगा, सेवन बार में. तो आप सेवन लिख देंगे. ठीक है, और ऊपर वाला एक्स जो है इनके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएंगे. अब देखिए एट एक्स माइनस सेवन एक्स, तो ये खाली एक्स बचेगा, यहाँ वन है. ठीक, यहाँ 56 डिवाइड में है, तो यहाँ 56 किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में. तो एक्स की वैल्यू कितनी निकली, 56. ठीक है, अब यहाँ देखिए टिप्स दिए गए हैं फॉर सॉल्विंग द वर्ड प्रॉब्लम, यानी आज अगर वर्ड प्रॉब्लम होगी तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके टिप्स दी गई हैं. जैसे रीड द वर्ड प्रॉब्लम 3 or 4 टाइम्स इन अ पार्ट, यानी अब आपको कम से कम 3 या 4 बार इसको वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ना है क्वेश्चन को. ठीक है, उसके बाद क्या करना है, लेट्स नो बी एक्स और अदर वेरिएबल, और उसके बाद कोई ना कोई आपको वेरिएबल वहाँ पे पुट करना है. ठीक, उसके बाद क्या करना है, राइट गिवन रिलेशन स्टेप बाय स्टेप, और जो आपको रिलेशन दिए गए हैं वो स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ लिखना है कि एक्स ये है, एक्स के साथ इतना ये बड़ा है ना, सारी चीज़ें लिखनी है. इन द लास्ट और सबसे लास्ट में उस इक्वेशन को सॉल्व करना है, जैसे ही आपके सामने एक इक्वेशन आ जाएगी उसको आप सॉल्व कर देंगे. ठीक है, तो इस तरह से ये आपका होता है. अब यहाँ क्या लिखा है आपका, लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन को करके देखते हैं. तो पहला लिखा है द सॉल्विंग फॉर लाइन, अब आपको इनको सॉल्व करना है, 1, 2, 3, 4, ये चारों दिए गए, चारों को सॉल्व करना है. तो चलिए एक एक करके चारों को सॉल्व करते हैं. देख सकते हैं कि ये आपका पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है, 2x + 3, 4x - 5 = 3/7, यही है. तो अब आप देखें यहाँ 2x + 3 लिखा है ना, अब आपको ये वाला पूरा हिस्सा जो 5 है ये इधर उठ के आ जाएगा, ओ सॉरी ये पूरा 4x इधर आ जाएगा उठ के. ठीक है, और इधर से सिर्फ 7 उठ के जाएगा. तो अब मैंने आपको बताया था कि देखिए ये 2x 3 एज इट इज़ रहेगा, ये इधर जाएगा तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा. तो देखिए 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 2 = 14x, और 3 × 7 = 21. अब सेम ये पूरा इधर उठ के जाएगा, तो यह 3 पहले से रखा है तो ये पूरा 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 × 4 = 12x और 3 × 5 = 15. क्लियर है. अब फिर हम क्या करेंगे, एक्स एक्स को एक तरफ कर लेंगे, तो ये देखिए 14x - 12x ये एक तरफ हो गया, और ये 15, 21 ये सब एक तरफ हो गया. ठीक है, अब आपको क्या करना है इसका आंसर में, अब आपको इसको जो साइन दिए गए उसके अकॉर्डिंग करना है. तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 12x बचेगा, और ये प्लस माइनस माइनस प्लस होकर 36 हो जाएगा, लेकिन बड़े के आगे माइनस है इसलिए साइन माइनस का ही रहेगा. अब क्या होता है, जब कोई चीज़ इधर मल्टीप्लाई में होती है तो इधर डिवाइड में आती है, तो हम इसे काट देंगे, 2 × 1 = 2, और 2 का टेबल 18 बार पड़ेंगे तो 36. ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, x की वैल्यू क्या होगी, 8 - 18. ठीक है, तो आप इस तरह से लिख लेंगे. अब इसी का सेकंड क्वेश्चन जो आपका था, सेकंड पार्ट, वो था 5x - 4 3x + 7 1/2. तो अब देख सकते हैं हमने इसको सेम पहले की तरह, ये डिजिट इधर उठ के आ जाएगी और ये 2 इधर आ जाएगा. ठीक है, तो ये देखिए 2 इधर आया, ऐसे बन गई इक्वेशन, ये आपकी लीनियर इक्वेशन होगी, यानी एक उसमें लाइन में होगी पूरी रेखी की इस इक्वेशन. अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 2 = 10 और 2 × 4 = 8. साइन वही रहेगा जो माइनस का है, 3 × 1 = 3 और 7 × 1 = 7, साइन वही रहेगा जो बीच में है यानी कि प्लस का. तो इस तरह से आपका ये आंसर बिल्कुल आसानी से आ गया. अब हमें क्या करना है कि जो आपके प्लस वाले एक्स वाई जेड वाले हैं उनको एक तरफ कर देना है, और जो नंबर वाले हैं खाली उनको एक तरफ. तो ये देखिए ये उठ के इधर आ गया और ये वाला उठ के इधर गया. अब जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो साइन चेंज होता है, ये माइनस प्लस में हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस में हो जाएगा. अब 7 में से 10 के बचे कितना, 7, और 8 × 5 कितना हो जाएगा, 8 × 7 कितना हो जाएगा, 15. अब जब कोई चीज़ इधर मल्टीप्लाई में होती है तो इधर में आती है डिवाइड में, तो ये डिवाइड होगा ये, लेकिन फ्रैक्शन में ही रहेगा आपका आंसर, क्योंकि फिर पॉइंट में आएगा वो सही नहीं है. तो एक्स की वैल्यू कितनी निकली, 15/7. आपका यहाँ देखिए थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, y + 3 और उसके आगे क्या लिखा है, 7/8. ठीक है, तो अब आप कैसे कर सकते हैं इसको, ये देखिए ये y / 3 जो है ये इस तरफ आ जाएगा और ये 8 इधर आ जाएगा. ठीक, तो जब इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8y हो जाएगा सिंपल से, और ये 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो आप इसको क्या करेंगे, देखिए ये हो जाएगा आपका 7y और ये हो जाएगा प्लस में 3 और ये हो जाएगा आपका 8y. ठीक है, अब हम y वाले एक तरफ कर देंगे, तो ये देखिए 8y इधर हो गया. ठीक, और ये 7y इधर आ गया और ये अपना 3 का 3 रहा. अब आप क्या करेंगे इसमें से, जब आप माइनस करेंगे तो यह खाली y बचेगा, 1y जो होता है हमने आपको पहले भी बताया 1 को नहीं लिखते हैं, आंसर क्या आ जाएगा 3. ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसे कर लेंगे. चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं.
देखिए आप लोग इसको कैसे करेंगे, z प्लस 4 है और यहाँ 5 है और यहाँ पे अपॉन में z है, ठीक है। तो अब देखिए ये वाला z इस तरफ उठ के जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये खाली रहेगा। तो ये देखिए आप इस तरह से इसको कर देंगे, ये आपका 4z हो गया, ठीक। और यहाँ पे देखिए ये वाला z इस तरफ आ गया तो ये 5z हो गया, तो ये 4 प्लस z प्लस 4 हो गया और ये 5z हो गया। अब जब कोई चीज़ होती है पहले हमें z वाले को एक तरफ करना होता है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम इधर ही छोड़ देंगे। ये वाला z इधर माइनस में आ जाएगा, ये 4 एज इट इज़ रहेगा आपका। इसमें से जब आप इसे माइनस करेंगे ये 4z हो जाएगा, और फिर आप इस वाले को 4 को, यानी कि ये मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा इसके, यानी नीचे, ठीक है। तो 4 वन ज़ा 4, 4 वन ज़ा 4, इट्स मीन z का आंसर क्या आया, z इज इक्वल टू 1, ठीक है। इस तरह से आप कर लेंगे, यानी z की वैल्यू जो निकली वो क्या निकली, 1 निकली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अब हम लोग। अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया है, इफ़ 2/3 ऑफ अ नंबर इज 30 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, यानी 2/3 जो है वो 30 से कम है अपने ओरिजिनल नंबर से, ठीक है, अपने ओरिजिनल नंबर से 30 कम है, तो आपको फाइंड द ओरिजिनल नंबर। अब आपको जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या है वो निकालना है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए तो आप इसका आंसर ऐसे लिखेंगे कि मान लीजिए x है ना, लेट्स द नंबर, यानी जो नंबर है वो हमने क्या मान लिया, x, ठीक। अब ये देखिए x माइनस 30 इज इक्वल टू 2/3x। अब ये देखिए ये इधर से ये 3 इधर उठ के आ जाएगा जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, और इधर वाला जो है ये x अपना एज इट इज़ रहेगा। तो ये देखिए ये इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे, तो ये 3x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 और 0 का 0 यानी 19, ये 2x हो जाएगा, ठीक। अब ये आपका क्या हो गया, देखिए ये एक तरफ हो जाएंगे दोनों, ठीक है, और ये 90 दूसरी तरफ आ जाएगा। ये इधर माइनस में था इधर प्लस में हो जाएगा, ये इधर प्लस में था इधर माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ एक्स बचा, ये आपका 90 हो गया, तो आपका आंसर क्या आ गया, 90। अब इसे वेरीफाई करना था तो ये देखिए हम लोग इसे देख लेते हैं कि हमारा सही आया या नहीं, तो हम एक्स की जगह पे क्या रख देंगे, 90 रख देंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स की जगह पे हमने 90 रख दिया एज इट इज़, और यहाँ पे भी हमने 90 रख दिया एक्स की जगह पे। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 60 बचा, इसे सॉल्व करेंगे तो भी देखिए 60 बचा, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि आपका आंसर सही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखिए यह आपका अगला क्वेश्चन है, 1/6 ऑफ अ नंबर, एक नंबर का 1/6, ठीक है, 1/6 व्हेन सबट्रैक्ट फ्रॉम द इटसेल्फ गिविन 25, फाइंड द नंबर। अब आपको अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर मतलब जो उससे 55 ज़्यादा आएगा, तो अभी आपको बताना है कि उसका आंसर क्या है। तो चलिए एक काम करते हैं उसका आंसर देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को फिनिश करेंगे। देखिए उस नंबर को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अब यहाँ आपने x लिखा, इक्वेशन बना लेते हैं, x 1/6x, ठीक है, उसके बाद बराबर में 25। अब ये देखिए x की वैल्यू वो निकालेंगे हम लोग LCM, तो नीचे हो जाएगा x। अब यहाँ इसके नीचे 1 है तो 1 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है, यहाँ आता है 6 बार में, तो ये 6x हो जाएगा, और जबकि ये खाली x रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। फिर आपको क्या करना है, इधर का 6 इस तरफ आएगा, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये माइनस होके 5 बचेगा। अब क्या होता है, 25 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आ जाएगा, जबकि यहाँ जो 5 है ये इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, इसे काटेंगे तो आंसर कितना बचेगा, 30। तो x की वैल्यू क्या निकली, 30, ठीक है। अब उसके बाद आपको इसे वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई क्या करेंगे, जो आपकी इक्वेशन थी उसमें जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ आपको 30 रखना है, और उसके बाद इसे सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो देखिए 6 कम 6 6 5 30, तो यहाँ आपका आंसर आ गया 1, तो देखिए 5, तो ये 30 और 5 25। अब जब इससे माइनस करेंगे तो देखिए 25 25 आंसर आ गया। इसका मतलब ये कि ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, तो आप लोग इसे कर लेंगे। चलिए तो आज की वर्कशीट को यहीं खत्म करते हैं, आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।